हेलो दोस्तों, दिस इज विशाखा जागर और आज़ादी के महोत्सव पे आप सभी को स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। अब जब आज़ादी हुई थी, जवाहरलाल नेहरू ने एक लाइन लिखी थी, एट स्ट्रोक ऑफ मिड नाइट अराउंड 15 अगस्त इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। बट वो आज़ादी फ्री में नहीं मिली थी, उस आज़ादी की एक कीमत हमें चुकानी पड़ी, तो दैट इज पार्टीशन। अब उसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड द 14th of August will be celebrated as Remembrance Day from now onwards। तो चलिए जरा जानते हैं रिमेम्बरेंस डे क्या है और इसे कैसे मनाया जाएगा और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। उसे ही हम इस तरह सीरीज में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर हैज डिक्लेयर्ड इट सो फार। अब जरा पहले जान लेते हैं हम पूरी सीरीज में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहला, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके बाद अबाउट इंडिपेंडेंस, along with that the horrors of the partition which followed, and next is the significance of the day। so overall in 4 section ko hum is news mein cover karne ki koshish karenge। to sabse pehle zara background jaan lete hain, that is the freedom ki jo hamari ladai thi wo kaisi rahi। uske liye aapko janna chahiye ki colonization se pehle ya jab britishers ne india ko occupy kiya tha, us samay bharat ko sone ki chidiya kehte the, sink of gold। और अगर फिगरेटिवली देखा जाए तो इट इन अराउंड 18th सेंचुरी 22% जो ग्लोबल जीडीपी था वो इंडिया कंट्रोल करती थी। ग्लोबल ट्रेड मतलब इतना बड़ा रोल था। आज को आपको पता है आज कितना है? 2% ऑफ ग्लोबल ट्रेड आज इंडिया कंट्रोल करती है। वहीं पे एक मोमेंट था जब 22% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इंडिया कंट्रोल करती थी, एंड दिस वॉज एक्चुअली द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि हमारी इंडिया सोने की चिड़िया थी। बट उस पर आँख नजर डालने वाले जो लोग थे वो ब्रिटिशर्स थे, जिन्होंने ऑलमोस्ट जब सबसे पहले आपके वास्को डी गामा आए, वहां से एंट्री हो जाती है आपकी यूरोपियन कंट्रीज की। फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स एंटर करते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्री इनकी बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हो जाती है, जहां से ब्रिटिशर्स का सिर्फ एक्सपेंशन दिखाई देता है। फिर आप देखेंगे 1905 1900 वगैरह वगैरह, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स इतने बड़े हो जाते हैं कि इंडिया कंप्लीटली या प्रॉपरली कॉलोनाइज हो चुकी होती है। इसके बाद आपका शुरू होता है आपका फ्रीडम संग्राम या फिर फ्रीडम स्ट्रगल। आई एम सॉरी, फ्रीडम की स्पेलिंग FREEDOM होगी, आपने गलती से लिख दी है। यहाँ पे देखा जाए तो जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो आपके 3 फेसेस में डिवाइडेड था। सबसे पहले आपके मॉडरेट लीडर आते हैं, जिनका जो स्ट्रैटेजी होती है दैट इज प्रेयर एंड पिटीशन। वो जाके पार्लियामेंट में या किसी और तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह रहे के ही, संविधान जो उस समय बना था उसी के अंदर रह के आज़ादी की डिमांड करते थे। जैसे ऑस्ट्रेलिया और बाकी ब्रिटेन की कॉलोनी को मिल रखा था, हम कुछ ऐसा ही मांगते थे। एक्सट्रीमिस्ट जब आए तो उनको लगा कि ये तरीका काम नहीं करने वाला, भीख थोड़ी ना मांगनी है, आजादी हमारा अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक कहते भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी कहते थे कि आई शैल हैव फ्रीडम, दिस इज माई राइट। तो जब बाल गंगाधर तिलक और ये लोग आए तो इनकी स्ट्रैटेजी थी कि बाय फोर्स, इवन दे हैव टू टेक फ्रीडम बाय फोर्स, तो दे वर रेडी फॉर दिस। जिसके लिए कुछ ऐसे भी केस हुए कि किलिंग ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी हुए थे, जैसे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की कहानी तो आपको पता ही है। इसके बाद आता है गांधीयन केस, जब हम थोड़ा सा सत्याग्रह वाले मॉडल पे चले जाते हैं। ये सबसे पीक ऑफ इंडियंस इंडिपेंडेंस मूवमेंट देखा जाता है धीरे धीरे, और इसके बाद 1947 में हमें आज़ादी मिल जाती है। ये था फ्रीडम स्ट्रगल, पर जितना सिंपल आपको दिखता है उतना सिंपल है नहीं। जो हमारा सेकेंड फेज होता है एक्सट्रीमिस्ट वाला फेज, इसमें आज़ादी का जो मोमेंटम होता है वो तो बढ़ जाता है, पर कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं। और वो गलतियां क्या थी? वो गलतियां ये थी कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे दे स्टार्टेड यूजिंग रिलीजियस लाइन, जैसे आपके अरविंदो घोष हैं या फिर आपके बाल गंगाधर तिलक हैं, जैसे भारत माता की जय इस तरीके के स्लोगन इस्तेमाल करना या फिर गणेश चतुर्थी मनाना। ऐसा जब होता था तो मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स कहीं खुद को एलिनेटेड पाया करते थे। उसी तरफ इस पूरे इसमें घी डालने का काम किया ब्रिटिशर्स ने, मतलब जहां पे कहीं ना कहीं गलती यहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर्स से हुई, वहीं उसी आग में घी डालने का काम ब्रिटिश पॉलिसर्स ने किया, और वो पहले से ही कर रहे थे। दे न्यू अगर यहाँ पे रूल करना है तो इनको डिवाइड करना ही होगा। बैटल ऑफ प्लासी से ही वो ये सीख चुके थे 1857 में, पहले प्रिंसेस को आपस में लड़ा देते कि एक प्रिंस दूसरे प्रिंस से लड़ता रहे, जिससे कि आपस में यूनाइट ना हो सके। जब उन्हें पता चला कि प्रिंस तो आपस में नहीं लड़ने वाले, इनको तो हमने देख लिया, अब लोगों को कराना पड़ेगा, तो उसके लिए उन्होंने रिलीजन, कास्ट या क्लास, उन्हें जो भी तरीका मिला उसके बेसिस पे इनको डिवाइड करने लगे। तो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइडर रूल ने इसमें आग लगा दी। साथ में एक्सट्रीमिस्ट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे आपकी हिंदू महासभा हो या RSS हो, उधर आपकी मुस्लिम लीग, दोनों ठान बैठे थे कि अगर आज़ादी मिलेगी तो आज़ादी में हम तो अपना अपना देश बनाएंगे।
अब इस पूरे चक्कर में जहां पे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की अपनी ख्वाहिशें थी, उन्होंने लोगों के दिल में ऐसी नफरत की आग लगा दी थी कि आजादी के टाइम पे लीडर्स को पता चल चुका था कि अब आजादी शायद विभाजन के साथ ही मिलेगी। और हुआ भी है, जब 1947 के अगस्त की रात को आजादी मिली थी, 15 अगस्त को, उस तक कम से कम 2 मिलियन पीपल हैड डाइड इन द प्रोग्राम दैट फॉलोड। उस आजादी के टाइम पे यहाँ से वहां जाने वाले लोग, वहां से यहाँ जाने लोग ऐसे मर जाते हैं। अगर आप इंडिया के मैप को देखा जाए तो सब, क्योंकि इंडिया यहाँ से डिवाइड हुआ था बांग्लादेश की तरफ, जिसको उस समय आपका ईस्ट पाकिस्तान कहते थे, और ये आपका वेस्ट पाकिस्तान था। और सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी हुई थी वो पंजाब सिंध के आसपास हुई थी, या आपका आसाम बंगाल के आसपास हुई थी, जिसमें 10 से 20 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए थे। दिस वॉज द हॉरर वी वर टॉकिंग अबाउट, दिस इज द हॉरर जिसको हम कमेमोरेट करना चाहते हैं रिमेम्बरेंस डे के फॉर्म में। अब जरा जानते हैं इस न्यूज की सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि आपको ये सब तो समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि इस पूरे कहानी में किसकी गलती थी किसकी नहीं, कहाँ हमसे गलतियां हो गई, कहाँ हम सोशल हार्मनी मेंटेन नहीं कर पाए और अपने सोशल फैब्रिक को हर्ट करने दिया। इसीलिए आज की जो धर्म के ऊपर लड़ाइयाँ हो रही हैं उन पे सही टाइम पे काम करने की जरूरत है। आज़ादी जो मिली थी वो एक हमारे हमें कहानी के और एक एक लर्निंग के फॉर्म में मिली थी, उस लर्निंग को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो अब आते हैं रिमेम्बरेंस डे पे। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिक्लेयर द 14th ऑफ अगस्त इज गोइंग टू बी रिमेम्बरेंस डे, ये उस दिन को कमेमोरेट करने के लिए है जब इंडिया ने ऑलमोस्ट 2 मिलियन लोगों को खो दिया था और 10 से 20 मिलियन लोग आपके कहीं उस पूरी लड़ाई में डिस्प्लेस हो गए थे, बेघर हो गए थे और अपनी जिंदगी दोबारा से बनानी पड़ी थी। तो अब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अब जब नया भारत बन चुका है और 70 साल हम गुजार चुके हैं, तो इस दिन को इसलिए मनाया जाना चाहिए जिससे कि हमें याद रहे कि हमारे बीच में जो सोशल डिविशन है, डिसहार्मनी है, उसको ज़्यादा दिन तक घर नहीं देना चाहिए, बिकॉज जिंदगी में आगे बढ़ना है और नई जगह हमें देनी है। साथ में वी हैव टू स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ वननेस, सोशल हार्मनी एंड ह्यूमन एम्पावरमेंट। हम जो कास्ट या क्लास या रिलीजन या किसी भी एथनिक बेसिस पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको हमें थोड़ा पीछे रख के एक वन नेशन वाली आइडेंटिटी पे काम करने की जरूरत है, एक सोशल हार्मनी की जरूरत है और साथ में ह्यूमन एम्पावरमेंट, इंसानियत को फॉरफ्रंट पे लाने की जरूरत है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं इस पूरी स्पीच में। साथ में ही टॉक्ड अबाउट कि ऑल ऑफ दिस विल स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ लव एंड यूनिटी, लोगों के अंदर जो लव है, यूनिटी है, उसको वापस जगाने की जरूरत है, उससे ये बढ़ जाएगा। नाउ द न्यूज सेज दैट, जो ओवरऑल न्यूज वेरियस न्यूज़पेपर ने एनालाइज किया उसमें बोला गया था कि यस द हॉरर्स ऑफ पार्टीशन मस्ट बी एक्नॉलेज, बहुत जरूरी है उस समय जो लोगों के साथ हुआ था उसको जरा एक्नॉलेज किया जाए। जब हमारे इतने शहीद मरते हैं तो उनके लिए हम शहीद दिवस मना सकते हैं, तो पार्टीशन के टाइम पे जो इतने लोग गए थे उनको कम से कम साल में एक बार याद किया जा सकता है इज्जत से कि कुछ लोगों ने इसकी कीमत चुकाई थी। बट वेरियस न्यूज आर्टिकल्स ऑल्सो टॉक अबाउट कि दिस इज ऑल्सो द टाइम वेयर वी कैन फील द स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिवनेस, कि वो सिर्फ इंडिया नहीं था या पाकिस्तान नहीं था, पूरा एक कॉन्टिनेंट उस टाइम पे डिवाइड हो गया था, राइट? ये आपका इंडिया है, इधर आपका बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिमेम्बरेंस डे पूरा कॉन्टिनेंट मनाए, जैसे आपका इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बिकॉज ये हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सब कॉन्टिनेंट, आई वुड से एक सब कॉन्टिनेंट को मनाने की जरूरत है, जैसे कि फीलिंग ऑफ इंक्लूसिवनेस तीनों में आ सके। साथ में ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि इसके साथ यू हैव टू हैव सम लर्निंग्स विद यू, सिर्फ मौन मत करो, उससे जो हमने सीखे ली है उस पर काम करो। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा सोशल हार्मनी पे काम करो, बट इसके साथ ये भी जरूरी है कि ब्रिटिशर्स का जो उन्होंने रोल प्ले किया था उसको रिकॉग्नाइज किया जाए और उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाए, बिकॉज उस समय जो इतनी कॉलोनाइजर्स थे, इन लोगों ने जो इंपीरियलिज्म फैलाया था उसकी वजह से बहुत सारे नेशंस डिवाइड हो गए, जिसकी कीमत वो आज तक चुका रहे हैं। इंडिया इकलौती कंट्री नहीं है, आप मिडिल ईस्ट में जाइए, मिडिल ईस्ट में जो इतना हॉरर है कि मतलब इराक, ईरान, इसराइल वगैरह, लेबनन और जो आपका इसराइल की कहानी है वो इतनी क्यों फैली हुई है, बिकॉज जब ब्रिटिश और बाकी यूरोपियन कंट्रीज का इंपीरियलिज्म आया था उस टाइम पे इन लोगों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेकर आई थी, कि जानबूझ के एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट फैलाते थे, जिससे आज ये कम्युनिटी एक दूसरे के साथ रह नहीं पा रही। तो आर्टिकल टॉक्स अबाउट कि जब हम इसको मॉन कर रहे हैं ये भी जरूरी है कि लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। नाउ दैट इज फॉर ऑल। आई होप इसके बाद आपको रिमेम्बरेंस डे क्लियर हो गया हो, आपको ये भी समझ में आ गया हो कि इसे क्यों मनाए जा रहे हैं, और ये भी समझ में आ गया होगा कि इससे हम क्या सीख सकते हैं और क्या लर्निंग हमें फादर लेके जाने चाहिए। नाउ दैट इज द केस, वक्त आ गया है कि आप हमारे बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यूट्यूब पे तो प्रेजेंट हैं ही, बाकी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे प्रेजेंट हैं सिर्फ आपकी मदद के लिए। थैंक यू सो मच।